वैसे राग यमन में अगर मैं फ्यूजन की बात करूं तो अपने संजय की, आपने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में क्या सुना होगा, यही गाने यही भजन। तो स्वागत है आपका एसकेटी ट्यून्स में और मैं संदीप ठाकुर इस ब्लॉकबस्टर सीरीज में आज कल्याण थाट के राग यमन कल्याण से ही आपको रूबरू करवाने के लिए आया हूं। तो जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैंने जो चैनल बनाया है इसका पर्पज जो है वो आपको वो नॉलेज देने का है कि मान के चलो संगीत में आपने एकेडमीज में सालों लगा दिए हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी फीस भारी भरकम फीस देकर भी संगीत नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सीख सकते हैं और कम समय में। और अगर आज बात करें यमन की, मतलब यमन कल्याण, तो इसका जो गायन समय है वो रात्रि का प्रथम पहर माना जाता है और इसका वादी स्वर ग है और संवादी स्वर नी है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ग और उसके बाद ज्यादा कम जो है ज्यादा प्रयोग होने वाला वो है नी। और इसके सारे स्वर मतलब संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति है और सिर्फ मध्यम तीव्र है, बाकी सारे स्वर इसके शुद्ध है। तो दोस्तों इस राग के आरोह अवरोह की पहले बात कर लेते हैं। आरोह कुछ इस तरह से है, तो दोस्तों इसके आरोह अवरोह की बात कर लेते हैं। तुझे संग बैर लगाया ऐसा ओ रहना मैं फिर अपने जैसा। दोस्तों ये राग यमन कल्याण में ही है, ये सॉन्ग वो अरिजीत सिंह ने बहुत ही सुंदर गाया है। और देखिए मैंने आपको पिछली हर सीरीज में ये बताता हूँ और अभी ज़रूर इसको बताऊँगा कि आपको पहले गाना ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि राग को तो आप सीख लेंगे, राग सीखने में तो बड़ी बात नहीं है। हाँ अगर एकेडमीज़ में जैसे आप सीखते आए हो पुराने तरीके से तो उससे ही सीखना, तो उसके लिए तो अकेडमीज़ भरी पड़ी है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर आए हैं मेरे चैनल में तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा और ट्रिक ये बताऊँगा कि आप सबसे ज़्यादा इन गानों को आपने सुना है, बॉलीवुड सॉन्ग हो गए या ओल्ड सॉन्ग हो गए, जब दीप जले आना जब शाम ढले आए जब माँ लग रहा है ना, तीव्र माँ लग रहा है, माँ शाम ढले आना। अब आपने ये गाने ज्यादा सुने होते हैं, अगर आप इनको ज्यादा सुनोगे और उसके बाद आप किसी राग की तरफ जाओगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि रास्ते तो दो हैं, या तो आप पहले रागों के जरिए जाओ फिर आप गानों को पहचानो कि इस राग में कि कौन सा गाना है, या तो फिर गानों से रागों की तरफ। वैसे जो पुराने जो संगीतज्ञ हैं जो गुरुजन हैं उन्होंने यही बताया कि पहले आप रागों को साधिए, गाने तो आसान है, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताता हूँ कि आसान रास्ता एक रागों का है पहले एक सॉन्ग का है। मैं कहूँगा पहले सॉन्ग के रास्ते में जाइए, है ना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाये मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। अब आपने ये गाना कितनी बार सुना, जब आप इसको सुनोगे इस रास्ते से आप जाओगे तो राग आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। पा मांगा रे सा, अगर भजनों के शौकीन है तो भजन सुन लीजिए, सिंपल सी बात है। उधरते आ मांगे तेरे सालो साल माए, पूरे कर दे तू मेरे भी सवाल नी माए, उधरते आ मांगे। अब ये अमूमन आपने घर में कभी ना कभी ये सॉन्ग या भजन आपने लगाए होते हैं और गुनगुनाए होते हैं और आपको पता होता है, लेकिन फिर हम क्यों जाएं ऐसे रास्ते, माने चलो राग सीखने के लिए आपको एक साल लगाना पड़ेगा। जब हम प्रभाकर कर रहे थे संगीत में तो उसमें भी हमें एक ही राग को बड़ा ख्याल उसमें करना होता है, छोटा ख्याल उसमें ताने अलाप सारी चीज़ें करने में एक साल लग जाता था हमें, तो आप एक साल क्यों लगाएं, क्योंकि आपने जो ज़्यादा सुनी है। वो कहते हैं ना कि चांदनी चौक टू चाइना मूवी में बताया गया है कि
अक्षय कुमार भूल जाते हैं कि मैं कैसे मार्शल आर्ट वहाँ पे सीखूंगा, मैं कैसे उन लोगों से लड़ूंगा। हालांकि उसको आता नहीं था वो हुनर, तो उसके गुरु ने उसको बताया था, किसी शख्स ने उसको बताया कि तुम दिन में सबसे ज्यादा काम क्या करते हो, तो उसने बताया था कि मैं आलू काटने में माहिर हूँ। तो वो पूरा दिन क्या करता था, आलू काटने का उसको प्रैक्टिस थी बार 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 बार, क्योंकि शेफ थे। तो उसने वही तरीका कि उसको एक आलू को काटने को बार बार प्रहार करते थे, उसी तरह वो अपनी मार्शल आर्ट या अपनी जिंदगी में या अपनी वॉर में उसको अप्लाई किया और जीत गए। बस सिंपल वही तरीका कि आपने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में क्या सुना था, यही गाने यही भजन, उनसे क्यों नहीं आपको आएगा। एक दिल है एक ईमान है दोनों तुझ पे कुर्बान है, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे कुर्बान है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर ये समझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। तो आपने कितनी बार ये सुना है, अगर आप इनको कहोगे बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। वैसे अगर राग यमन की मैं बात करूँ तो बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग हैं, पुराने गाने आप देख लीजिए, नए आप देख लीजिए निकाल के, मैक्सिमम जितने भी फिल्मी गाने हैं वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सॉन्ग होंगे तो हम राग यमन पे ही आधारित हैं। मैंने इसमें आगे एक और गाना सुनूंगा लता जी का, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा। वाकई में इनकी आवाज कहीं ना कहीं आज अमर हो चुकी है, एक लेजेंडरी पर्सन है और माँ लता मंगेशकर हजारों साल जी, और कहते हैं वाकई में इनकी आवाज में कोयल बसती थी और वो कहीं ना कहीं इनके गानों में वो झलकता है, वो चीज़ नजर भी आती है। वैसे राग यमन में अगर मैं फ्यूजन की बात करूँ तो अपने संजय लीला भंसाली की जितनी भी मूवीज है, वो अगर रामलीला की भी बात करें या कोई भी और अदर मूवीज है, आपने एक धुन सुनी होगी सुना है ना, अपने गाने के शुरू में ही आती है। तो ये रे जो है इसमें सारे सारे वो कितना फर्क है, ये कोमल रे, जैसे कोमल रे है, ये शुद्ध रे तो कुछ और है ना, गे सा, और ये रे सानी धानी रे गारे सा। तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता के लिए, हालांकि जब गाना आगे चलता है तो उसमें कोमल रे का प्रयोग नहीं होता, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें एक इसको निखारता है, इसका स्वरूप अलग होता है। हालांकि ये यमन में नहीं है लेकिन बॉलीवुड में जैसे कि मैंने कहा कि उनमें छेड़छाड़ होती है और उसमें कोई प्योर राग नहीं कहा जा सकता कि उसी राग में वो बंदिश है, उस पर कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहता है। थोड़ी हवा भी चल रही है, डिस्ट्रैक्शन आपको आ रही होगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या करें, अब शूट भी करना पड़ेगा ना। बहुत ही प्यारी गजल है दोस्तों, आफ से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही घर से निकलते कुछ दूर चलते हैं रस्ते में है उसका घर। तो इस तरह से बहुत सारे सॉन्ग है दोस्तों इसमें, और अगर मैं छोटे ख्याल की बात करूं, इया की नजरिया जादू भरी मोह लियो
पिया की नजरिया। और इसमें ताने तो आपको पता सिंपल होती है, 8 मात्रा में कर लीजिए, 16 में कर लीजिए, 12 में कर लीजिए। पिया की नजर मगर सा पम ग मगर सा पिया की नजर आ आ पिया की नजर रे ग मधनी सारे सानी धा पम गर सा पिया की नजरिया। दोस्तों आपको ये राग यमन के बारे में मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट थाट और अगले राग के साथ अगली वीडियो में। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे कंटेंट का निर्माता है। तब के लिए जय माता दी, जय सनातन।